अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम लोग रेडी टू फाइंड कर रहे हैं मुख्तलिफ टाइप्स की। पहला हमारा इंटीग्रल हमने सॉल्व किया है, उसके रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम आपके पास है इंटीग्रल टू, टाइप टू की बात करते हैं। पहले हम आते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा टाइप टू है। तो टाइप टू के हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है कि इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चलती है। सेकेंड, इसके अंदर जो फंक्शन होता है उसका नॉमिनेटर जो होता है वो भी एक्स का फंक्शन होता है, एक्स का वेरिएबल होते हैं, और उसका जो डिनोमिनेटर होते हैं वो भी हमारे पास एक्स का वेरिएबल होता है, साथ में डी है। बड़ा इजी चीज़ की पहचान है कि हमारे पास जो इंटीग्रल है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं, और हमारे पास उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स की वैल्यू होती है, एक्स के वेरिएबल होते हैं। तो जैसे हम ये देखते जाएंगे तो हमें फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास टाइप टू। अब टाइप टू के लिए आपने ग्राफ जो जा रखना है वो हमारे पास ये है कि ये जो ग्राफ होता है ये हमारे पास एक अपर हाफ प्लेन के अंदर लाई करना चाहिए, कि हमारे जितने भी इंटीग्रल है वो हमारे पास अपर हाफ प्लेन के अंदर लाई करेंगे, तो वो वाले आंसर हमारे पास पॉसिबल होंगे। जो लोअर हाफ प्लेन के अंदर लाई करेंगे वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होंगे। मेन हमारे पास पॉजिटिव वाई वाले वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉसिबल होंगी, जबकि नेगेटिव वाई, अब इसमें ये याद रखना है ये कम्प्लेक्स है। एक्स एक्स में जो है वो रियल वैल्यू लेनी होती है, और वाई एक्स जो है उसके अंदर इमेजिनरी वैल्यू होती है। अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स का प्लेन है जिसमें एक्स एक्स में रियल वैल्यू है और वाई एक्स में इमेजिनरी वैल्यू। तो रियल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्स और नेगेटिव एक्स एक्स दोनों की इंक्लूड होंगी, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू में अगर देखें आयोटा के टर्म में देखें तो जो पॉजिटिव वाई में आ रही होंगी मीन पॉजिटिव आयोटा के साथ होंगी वो पॉसिबल होंगी, जो नेगेटिव आयोटा के साथ होंगी वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होंगी। अब हम इसके स्टेप देखते हैं, तो इसके स्टेप क्या हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो इसका बड़ा इजी सा स्टेप है कि आपने रिप्लेस कर देना है एक्स को जी के साथ, रिप्लेस कर देंगे एक्स को जी के साथ, मीन एक्स की जगह पुट कर लेंगे जी, और डी एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे डी जी। तो हमारा ये सारा जो फंक्शन है जो एक्स का था ये हमारे पास जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली हम वैसे ही हम कर लेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा सारा फंक्शन जी में चला जाएगा। अब जी के फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन तो हमारे पास क्या, हमने रिप्लेस कर दिया अपने फंक्शन को जी में। स्टेप टू में क्या है कि हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास जो अपर हाफ में लाई करेंगे उन पॉइंट्स के हम लोग रेजिड्यू जो है वो हमारे पास फाइंड कर लेंगे। और हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग काशी रेजिड्यू फार्मूला, काशी रेजिड्यू थ्योरम जो है वो हमारे पास अप्लाई हो जाए। तो ये टाइप बड़ी ईजी सी हमारे पास है कि एक हमने एक्स को रिप्लेस करना है जी के साथ, डी एक्स को रिप्लेस करना है डी जी के साथ, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जी के साथ, और फिर जैसे जी में कन्वर्ट होगा तो हमने रेजिड्यू उसी पहले वाले मेथड से फाइंड करना है और काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करना है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे ये दिए हुए कि आप सॉल्व करें इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स के प्लस वन। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, और हमारा जो फंक्शन है एक्स का वेरिएबल है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि हमारे पास टाइप टू है। अगर टाइप टू है तो फिर हम टाइप टू के हमारे पास स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास है कि हम रिप्लेस कर देंगे एक्स को जी के साथ, हम लेट करते हैं एक्स इक्वल टू जी, तो हमारे पास जी, तो डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा डी जी के। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम आई के देते हैं आई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इंटीग्रल चेंज नहीं होगा, जबकि जब एक्स इन माइनस इन्फिनिटी होगा तो जी भी माइनस इन्फिनिटी, जब एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो जी भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो डी जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस वन। अब हम आपका फंक्शन जी में कन्वर्ट हो गया, हमने अगला स्टेप टू वाला प्रोवाइड करना है। स्टेप टू हमारे पास है, हमने रेजिड्यू फाइंड करना है। रेजिड्यू का तरीका क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसे इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। अब जी स्केयर इक्वल टू माइनस वन, जैसे इसके रूट लेंगे स्केयर रूट माइनस वन, स्केयर रूट से कैंसिल, जी इक्वल टू माइनस वन होता है, आयोटा हो, ये दो साइन होंगे, प्लस वन भी होगा और माइनस वन भी होगा। तो मेन हमारे पास जी वन जो हम कहते हैं प्लस आयोटा की इक्वल है, और जी टू जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा की इक्वल है। अब देखा जाए प्लस आयोटा है तो वो अपर में, क्योंकि वाई पॉजिटिव जो होता है अपर में आता है, तो प्लस आयोटा अपर हाफ में होगा, और जो माइनस आयोटा है वो तो डाउनवर्ड में आते हैं तो लोअर हाफ में आ रहा है, और हमने सिर्फ वो वाला आंसर लेना है जो अपर हाफ में अलाई कर रहा हो, जिसका मतलब हमने जो रेजिड्यू जो एक्सेप्ट करना है वो जी इक्वल टू वन पे करना है, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, लाई इन अपर हाफ प्लेन, जबकि जी टू जो है ये हमें नहीं लेना क्योंकि ये हमारे पास लोअर में आ रहा हो, यहाँ वाला हमारे पास सोल्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं है।
तब रेजिड्यूज कैलकुलेट करते हैं, और वो कैसे होते हैं, लिमिट हम क्या कहेंगे, जी इक्वल टू वन इज इक्वल टू आयोटा इन, अब हमारे पास फंक्शन किस में, या इस फंक्शन को मैं कह देती हूँ जी वन में, तो मैं जी माइनस जी वन के ऊपर कैलकुलेट करने चाहती हूँ मल्टीप्लाई, इसके पास जो कंप्लीट फंक्शन था वो था, इसके दो आंसर थे, जी माइनस जी वन है और जी प्लस का जी माइनस जी टू, तुम देखो ना इसी को सॉल्व किया तो दो आंसर आए, मीन इसके पास दो हमारे पास फैक्टर हैं, एक जी इक्वल टू जी वन फैक्टर है और एक जी इक्वल टू जी टू फैक्टर है। अब z इक्वल टू जी वन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू जी वन वन ओवर z माइनस जी टू, तो z की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो z वन माइनस जी टू, अब z वन का आंसर है आयोटा और z टू का आंसर है माइनस आयोटा, तो वन ओवर आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो योगा वन ओवर टू आयोटा, तो ये हमारे पास रेजिड्यू आएगा। अब हमने अप्लाई करना है बाई अप्लाइंग काशी रेजिड्यू थ्योरम, तो वो होता है टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, तो टू पाई आयोटा और रेजिड्यू का आंसर आया वन ओवर टू आयोटा से कैंसिल, तो आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई पाई, तो ये हमारा क्वेश्चन टाइप वन जो हमारे पास साल। अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं।